to all of you. So today in English, please open page number thirty four. हमने ये story read की थी my pet जिसमें एक बच्चे के पास एक pet होता है वो कैसे अपने pet को आ, उसकी care करता है A fat fat किट होता है right? तो हमने इसमें कुछ words मैंने आपको पर पढ़ने के लिए कहे थे जैसे up, under, into, है ना तो आज हम उसी की एक एक्सरसाइज करेंगे जो पेज नंबर थर्टी फोर पर है लुक एट द पिक्चर एंड करेक्ट द गिवन सेंटेंस। आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं और उनके सामने की पिक्चर दी हुई है राइट तो आपको क्या करना है इन पिक्चर को देखना है और इस सेंटेंस से मैच करना है और देखना है कि कहाँ पर मिस्टेक है सो फर्स्ट इज किट रैन अंडर द कैट तो ये कह रहा है कि द किट रैन अंडर द कैट सो यहाँ पे किस चीज की मिस्टेक है राइट right. मैट की किट कहाँ पे है अंडर द मैट ये जैसे ये वर्ड्स हैं अंडर इन बिहाइंड और लाइक दिस ये आप लोग को मैम मैथ्स में भी करवा रही हैं तो इसलिए मैं आपको ये वाली एक्सरसाइज साथ के साथ करवा रही हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए कि ट्रेन अंडर द मैट तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे लाइक दिस किट रैन अंडर द मैट आपको यहीं से देखना है और जो रॉन्ग वर्ड है उसको हमने ठीक करके क्या लिख दिया मैट क्योंकि किट कहाँ पर है ंडर द मैट कुछ बच्चे बहुत अच्छे से लिखते हैं लाइंस में लिखते हैं बिल्कुल हर एक लाइन का यूज़ करते हैं ठीक है और कुछ बच्चे बिल्कुल लाइन में नहीं लिखते तो बच्चे आपको जो ये लाइंस दिए ये किसी पर्पज़ से दिए हैं ना आपको इनको यूज़ करना चाहिए जैसे हमें पेंसिल दिए लिखने के लिए जैसे हमें नोज दिए स्मेल करने के लिए है ना आइस दिए देखने के लिए उसी तरीके से ये लाइन्स भी दिए ना आपको तो इनका प्रॉपर यूज़ करो देखो अगर आप प्रॉपर यूज़ करोगे तो आपकी हैंड राइटिंग अपने आप सुंदर रहेगी अगर आपको पता है कि इस लाइन से बाहर हमें स्मॉल लाइन को नहीं लेके जाना इस लाइन से बाहर हमें कैपिटल के को नहीं लेके जाना है ना तो ये चीज़ें तभी प्रैक्टिस में आ सकती हैं जब आप अल्फाबेट्स की बार बार प्रैक्टिस करो स्मॉल अल्फाबेट्स की कैपिटल अल्फाबेट्स की अपनी कॉपी कौ पे आप रोज़ एक एक पेज लिखो उससे क्या होगा आपकी हैंड राइटिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा ठीक है आपको पता है कि आपको पता चल जाएगा कि स्मॉल ही को कितने कितनी लाइन्स में लिखते हैं और कि, कौन सी लाइन से बाहर नहीं लिखे जाते राइट right? आप नर्सरी से ये सब कर रहे हो लेकिन कुछ बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत ही आ, अच्छी नहीं आती है और कुछ बच्चे बहुत ही अच्छा काम करते हैं तो ट्राई करो कि प्रैक्टिस करने की जिन आप सबको पता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो तो प्रैक्टिस करो इन चीज़ों की ओके सो नेक्स्ट इज़ किट सैट इन अ बैट तो किट सैट इन अ बैट इस इस सेंटेंस में आपको क्या मिस्टेक लग रही है किट कहाँ पे सेट है कहाँ पे बैठा है किट हैट में कहाँ पर हैट में तो हम यहाँ पे इसको करेक्ट करके लिखेंगे लाइक दिस किट सेट इन अ हैट ठीक है किट हिड इन अ पिंक तो कहाँ पर हिड है जो किट है सिंक में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंक देखिए और जब भी हमारा कोई सेंटेंस फिनिश होता है हमें क्या लगाना होता है लास्ट में क्या कहते हैं इसको फुल स्टॉप राइट किट सेट ऑन अ फॉक्स तो कहाँ पर सिट है किट फॉक्स पर नो इट सैट ऑन अ बॉक्स